भाई आप सभी को राम राम, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने जल इंस्पेक्टर क्वेश्चन के में। तो भाई अभी जो आईबी का बहुत ज़्यादा शौक मिल गया आपको कि एग्जाम 24 या 20 मार्च से है शायद, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। सारी वीडियोज में डाल रखी है, आप 2 4 दिन में भी जो करना कर सकते हो, जहां तक किया जा सकता है वो आप कर सकते हो, और पेपर आसान आएगा, कर लोगे। बहुत लोग इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे थे, तो आज ये छोटी सी वीडियो इंटरव्यू के बारे में होगी, और स्पेशली मेरे साथ इंटरव्यू में क्या हुआ था इसके ऊपर वीडियो होगी। तो पूरी वीडियो सुनना, तुमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, अभी भी देखिए ऑफिस में आया हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि वीडियो आप लेकर बना ही देता हूँ। आज सैटरडे है फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि वर्कलोड कितना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई 16 दिसंबर 2018 मेरा इंटरव्यू था, मुझे वेन्यू मिल गया कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू देने आना है। इंटरव्यू देने में पहुंच गया सुबह 8 बजे। आपको एक बात बताऊं, मेरे पास उस समय फॉर्मल्स नहीं थे, शर्ट था, तो एक दोस्त का सूट और पैंट पहन के गया था, और वाइट शर्ट, शूज भी किसी और का पहना था, क्योंकि मेरे पास फॉर्मल शूज भी नहीं थे उस समय। तैयारी कर रहे थे यार, फॉर्मल की जरूरत तो थी नहीं, तो कभी खरीदा ही नहीं था। सब कुछ पहन के पहुंच गया, 8 बजे सुबह पहुंच गया मैं, अंदर गया, लिस्ट देखा, लिस्ट में मेरा नाम था सबसे लास्ट, सबसे लास्ट में मेरा नाम था, और लगभग 900 बच्चे थे उसमें, सबसे लास्ट नाम मेरा था। मैं कहा हो गया, आज तो पूरा दिन यहीं पे काम खत्म। बैठ गया, कोई बहुत बढ़िया सा सूट पहन के आया था, कोई तो शादी शादी वाली भी सूट पहन के आए थे बहुत लोग, मैं बिल्कुल चिल बैठा हूं। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक भी अक्षर पढ़ाई नहीं की थी, या एक भी वीडियो नहीं देखा था कि इंटरव्यू कैसे पास करना है, क्या होगा आईबी के इंटरव्यू में, कैसे होगा इंटरव्यू, होता कैसा है, क्योंकि इससे पहले मैं इंटरव्यू नहीं दिया था कभी भी। तो बस मैं जाके चुपचाप बैठा हुआ था, सब कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, कोई पॉलिटी पढ़ रहा है, कोई रूसेंट पढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, और मैं चिल रहा है, बिल्कुल चिल हूं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखेंगे, क्या ही करना है यार, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, छोड़ो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ, इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, इंटरव्यू होता जाता है साइमल्टेनियसली। तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगा, मेरा नंबर तो सबसे लास्ट था, तो मैं जानता था कि आज तो शाम हो जाना, कोई टेंशन नहीं है। लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे, फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। अब इंटरव्यू में चल क्या रहा था कि कोई 1 मिनट में वापस आ जा रहा था, कोई 2 मिनट में वापस आ रहा था, कोई 10 मिनट में आ रहा था, कोई आधे घंटे में वापस आ रहा था, और हमारी फट रही थी। फिर कोई आके कह दिया करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, कोई आके कह रहा है 10 आज के 5 नेशनल न्यूज 5 इंटरनेशनल न्यूज पूछ रहे हैं। अब सब में होड़ लगी है, 5 इंटरनेशनल न्यूज क्या है भाई, आज लगे गूगल पे करने, गूगल करने, ये करने, मतलब टोटली केओस का माहौल था, बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ था। और मैं बिल्कुल शांत बैठा हुआ हूँ, चुपचाप एक कोने में कुर्सी बैठा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज मुझे शाम हो जाएगा। कुछ खाया नहीं था मैंने, हाँ, लेकिन ये था कि बालों में मैं उस दिन सेटवेट जेल लगा के गया था, तो मुझे ये पता था कि बाल खराब नहीं होंगे मेरे, और बाल ऐसे ऐसे टच भी कर रहा था कि हाँ ठीक है, क्योंकि बालों से फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है भाई, 1 बजा 2 बजा 3 बजा 4 बजा, शाम के 4 बज गए, मैं सुबह 8 बजे से आया हूँ, कुछ नहीं खाया मैंने, चेहरा पीला पड़ते जा रहा है मेरा, और चारों तरफ डर का माहौल है, आप समझ लीजिए कैसा माहौल होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया मेरा, इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया, मैं जाके बाहर बैठा, जो वेटिंग रूम होता है उसके बाहर बैठा, अंदर से घंटी बजी, मैंने ऐसे गेट खोला, तो लगभग 10 15 मीटर की दूरी पे 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स बैठे हुए, क्योंकि आपका इंटरव्यू जो होता है वो आईपीएस ऑफिसर्स ही लेते हैं। तो एक उनमें से बोलते हैं, अरे गुप्ता जी आइए आइए आइए, आराम से आइए। बस फिर क्या था, फिर मैं वहीं पे कंफर्टेबल हो गया। मैं कहा अरे यार चलो अब तो जो होगा देख ही लेंगे। भाई अंदर गया, आपको जाते ही अंदर कुर्सी पे नहीं बैठना है, आपको जाके कुर्सी के पास खड़े होना है, जब तक वो आपको परमिशन नहीं दे बैठने के लिए आपको नहीं बैठना है। ये सारी चीजें आप नोट करते रहिएगा कि आपको क्या करना है इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है, मेरी छोटी छोटी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इन सब चीजों को नोट करते रहिएगा। तो मैं कुर्सी के पास जाके ऐसे खड़ा हो गया, तो जो सर थे बीच वाले, अमूमन जो बीच में बैठते हैं वो हेड होते हैं, बोले अरे बैठ जाइए। फिर मैं बैठ गया, अब मुझे ये भी नहीं पता था कि बैठते कैसे हैं, मैं डर गया यार, क्योंकि मैं ये भी देख के नहीं आया था कि बैठते कैसे हैं। बट हाँ, आपको स्ट्रेट बैठना है, पैर आपका हिलना नहीं चाहिए, हाथ पैर बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। आराम से बैठ गया मैं चुपचाप, तो फिर सर ने बोला कि अच्छा ठीक है आप अपने बारे में बताइए कुछ। तो मैंने बताया सर मेरा नाम किशन गुप्ता है, मैंने बीएससी किया वाराणसी से, और मैं दिलदारगढ़ गाजीपुर से बॉर्न हूँ लेकिन वाराणसी में ब्रॉट हूँ, और अभी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया हूँ और कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताइए भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ निकला भी है बस की तैयारी ही कर रहे हैं। मैंने पहला लाइन यही बोला, सर देखिए एक तो ये निकला है जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, बाकी सीपीओ मेरा निकला हुआ है, सीपीओ का मेडिकल बाकी है, तो सीपीओ मेरा अच्छा नंबर आया है, हो सकता है उसमें मुझे कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी उसका मेडिकल के बाद, अगर मेडिकली फिट हो गया मैं तो। देन अगेन क्वेश्चन आता है काउंटर, अच्छा ठीक है सीपीओ क्या होता है बताइए। मैंने बताया सर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है, सीएपीएफ में
सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एसएससी एग्जाम कराता है, और उसमें जितने सीएपीएफ हैं सब में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है। तो बताते हैं कि पूछते हैं फिर तुरंत काउंटर क्वेश्चन, तुरंत जो आप बोलेंगे आपका क्वेश्चन उसमें से ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको सोच समझ के बोलना है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, सीएपीएफ के बारे में बताइए कितने सीएपीएफ हैं। तो मैंने बता दिया सर बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, और एसएसबी है, और आपका एक सीआईएसएफ है। तो अच्छा ठीक है, ये बताइए सबसे पुरानी सीएपीएफ कौन सी है। तो सबसे पुरानी का तो मुझे नहीं मालूम था, बस तो हवा मैंने निकल बोला गई। सर आई डोंट नो। अच्छा सबसे नई कौन सी है, तो मैंने बोला सर सबसे नई तो एसएसबी है। तो कहते हैं अच्छा सबसे पुरानी वाली आसाम राइफल्स मानी जाती थी, ऐसे उन्होंने बताया कुछ, उतना मुझे याद नहीं है। ये हुआ, फिर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया दूसरे सर को कि ठीक है आप पूछ लीजिए। उन्होंने मुझसे पूछा निर्भया कांड के बारे में आप जानते हैं क्या है, और मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ही पर्सनली बहुत ज्यादा ब्रेक हुआ था उस जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को, उससे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। तो मैंने उसका फॉलोअप शुरू से ही रखा था। तो उस समय क्या चल रहा था, उस समय उनको फांसी की सजा होने वाली थी और बार बार वो प्रेसिडेंट के पास अर्जी लगा रहे थे कि फांसी रोक दी जाए, उस समय वो करंट में पीरियड में चल रहा था, तो उन्होंने पूछ लिया होगा। उन्होंने पूछा निर्भया के बारे में जानते हैं, बोला यस सर इट वॉज अ इंसिडेंट ऑफ रेप, वेरी हीनियस क्राइम, इट वॉज ऑन 16th of December 2012। तो ओके, तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक आपको ये पता है कि कैपिटल पनिशमेंट कब कब दिया जा सकता है इंडियन पिनल कोड से। तो मैंने बोला सर मर्डर के चार्ज में दिया जा सकता है, बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम हो तब दिया जा सकता है, देशद्रोह में दिया जा सकता है। तो कहता नहीं, और बताइए। मैं बोला सर अब तो नहीं पता मुझे। तो कहता मैं बताऊं आपको, बोला यस सर सियो 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 बताइए, बिल्कुल बताइए। तो उन्होंने फिर बताया मुझे कि अगर जेल में कोई एक कैदी दूसरे कैदी को मारने की कोशिश करता है उस केस में भी दिया जा सकता है। तो देन आई सेड कि सर थैंक यू फॉर एडिंग इन माई नॉलेज, आई विल कीप इन माई माइंड। तो उन्होंने कहा ओके, फिर उन्होंने थर्ड जो मेंबर थे वहां पे बोर्ड के उनको ट्रांसफर कर दिया। अब भाई उन्होंने पूछ लिया ऐसा सवाल जिसका मैंने कभी सुना ही नहीं था कि सवाल भी होता है, ये चीज भी है कभी। उन्होंने मुझसे पूछा कि लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। अब मैं क्या चेहरा पीला, पढ़ाई नहीं हो कभी कि लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी होती क्या, मुझे क्या पता क्या है। तो मैं 10-12 सेकेंड सोचा, फिर मैंने कहा सर आई एम सॉरी आई बस डोंट नो। हवा निकल गई। तो कहते हैं अच्छा ये बताइए कि अगर आपको एक लीड दे दी जाए, एक सेंटेंस दे दिया जाए बस कि लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आप इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं, क्या मीनिंग निकालेंगे। तो मैंने बोला सर जब प्लीज गिव मी 30 सेकेंड्स। तो उन्होंने कहा सी ओ सी यू कैन टेक योर टाइम, यू आर द लास्ट वन एंड वी आर हैविंग सो मच टाइम हियर। तो 30 सेकेंड मैंने मांगा, बट अगले 10 या 12 सेकेंड में ही मैंने बोल दिया। लेकिन बोलने से पहले मैंने परमिशन लिया, सर शैल आई स्पीक, सारी चीजें आप ध्यान से देखिएगा कि आपको करना क्या है। तो उन्होंने बोला हाँ यस योर स्पीक। तो मैंने बोला सर लुक ईस्ट पॉलिसी इज जस्ट कैन डिड्यूस इज जस्ट लुक एंड ईस्ट एंड पॉलिसी, इट इज इट मस्ट बी अ पॉलिसी ईदर फॉर द एशियन कंट्रीज बिकॉज एशियन कंट्रीज हमारे ईस्ट में आते हैं, या फॉर हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनके बारे में मैंने पॉलिसी होगी, इससे ज्यादा तो मैं आपको नहीं बता सकता सर आई एम सॉरी। बात तो सही सर यू मे है, गो। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने और किया। फिर मैं स्टैंड हुआ, खड़ा हुआ, विश किया थैंक यू सर हैव अ गुड डे, और फिर मैं चुपचाप पीछे चला गया स्ट्रेट, बिल्कुल आराम से भागते हुए नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे चल के आराम से गेट खोला, गेट खोल के फिर ऐसे पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ के गेट को धीरे से बंद किया, फिर वापस चला गया। और ये टोटल चला था 3 से 4 मिनट, सिर्फ 3 से 4 मिनट चला था। तो इससे सीखने वाली चीजें मैं आपको बताता हूं, और जब मैं आपको बता रहा हूं क्या कि इंटरव्यू होता क्या है, इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंट रहना है पहला पॉइंट, इंटरव्यू में आपको प्रॉपर अटायर में रहना है दूसरा पॉइंट, इंटरव्यू में आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देना है, बिल्कुल बिल्कुल पोलाइट रहना है, आवाज तेज नहीं होनी चाहिए, हाथ पैर ज्यादा हिलने नहीं चाहिए, ठीक है शांति से बैठे हुए हैं तो चुपचाप आराम से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, जो सवाल पूछेंगे अगर आएगा तो बताएंगे, नहीं आएगा तो सॉरी बोलेंगे, ठीक है जबरदस्ती नहीं करेंगे, जबरदस्ती उनको घुमाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन बैठे होते हैं इंटरव्यू के बोर्ड में, तो आपको उनको घुमाने की कोशिश नहीं करना है कि मैं इनको फंसा लूंगा झूठ बोल के, नहीं बिल्कुल ट्रू रहना है, ट्रू टू योर सेल्फ, जो आपको पता है वो बताइए, नहीं पता है तो बोलिए आई एम सॉरी सर आई डोंट नो, इफ आई एवर गेट चांस टू मीट यू अगेन आई विल टेल यू, आई विल रीड दैट आफ्टर दिस इंटरव्यू, ऐसे बोल देने का लास्ट में, ठीक है। तो एकदम काम रहना है, ट्रू रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, नहीं आ रहा है तो सीधे बोलना है कि सर नहीं आ रहा है, बाकी हो जाएगा। ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, ये था मेरा इंटरव्यू, और आप होप कि आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। बाकी आपको सीजीएल के लिए मैं 2023 सीजीएल जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया फुल प्रूफ प्लान बनाया है, 1-2 दिन में उसका वीडियो मैं आपको डालूंगा और प्रॉपर पीडीएफ बना के रखा है मैंने उसके लिए, आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, सीजीएल एलेक्जिस भाई के स्क्रीन पर पॉपअप हो रहा होगा,
चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और लाइक किया करिए वीडियो को प्लीज, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अभी देखिए, अभी मैं यहाँ 4-5 घंटे काम करूंगा ऑफिस में, फिर घर जाऊंगा, घर जाके थोड़ा आराम। बाकी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जल्दी जल्दी नौकरी लीजिए और फिर मुझसे मिलिए। जय हिंद।